आशा करती हूँ मैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जी हाँ, आज आपकी एक्स्ट्रो आपके लिए लेकर आई है भाग्य 7। जी हाँ, लास्ट वीडियो मैंने आपको देखा, मैं बताया था आपको भाग्य 6 के बारे में, और आज आपके लिए भाग्य 7 की कुछ खूबियाँ, कुछ कमियाँ, तो कुछ लकी कलर, कुछ लकी नंबर, ये जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाग्य 7। ये जातक बेहतर समझ वाले, बुद्धि वाले होते हैं। इनमें फैसला लेने की अच्छी काबिलियत होती है। किसी काम को भी करने से पहले वे खूबी उसको देखते समझते हैं, इसमें इनको लाभ होगा, हानि होगा, इस तरह की समझ में बखूबी होती है। तो ये उसी काम को करते हैं जिसमें इनको लगे कि हाँ, ये काम करने से हमें लाभ होगा, ये हमारे लिए हितकारी है, उसी काम को ये करते हैं। इनमें गुप्त ज्ञान बखूबी होता है, दूरदृष्टि होती है भविष्य को, जैसे कहते हैं ना सिक्स सेंस पावर, इनमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। ऐसे जातक अपनी लाइफ में कुछ अलग, कुछ हटके करने में विश्वास करते हैं, और ये भीड़ भाड़ इनको काफ़ी पसंद नहीं होता, इनको एकांत ज़्यादा पसंद होता है। ये कुछ इनमें कमियाँ भी होती हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी अपने आप को भीड़ में भी अकेला महसूस करते हैं। धर्म को अडंबर और अंधविश्वास से दूर रखना पसंद करते हैं। ऐसे जातकों को धर्म में अंधविश्वास और दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं होता। जो कमियां होती हैं वो इस प्रकार हैं। ऐसे जातक एकांत पसंद करते हैं, इन्हें अपनी बात किसी से बांटना पसंद नहीं होता, ये किसी से भी अपनी दिल की बात शेयर नहीं करते। इनमें संदेह की भावना बहुत ज़्यादा होती है, ये हर किसी पर संदेह करते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर इन्हें हर किसी पर संदेह रहता है, ये इनमें कमी होती है, इसीलिए किसी के साथ घुल मिल नहीं पाते हैं, एकांत इनको ज़्यादा पसंद होता है। ये अपने आप को हमेशा अकेला महसूस करते हैं। ये थी इनमें कुछ कमियाँ। अगर इनको ऐसा महसूस होते हैं तो इनको भीड़ में, ग्रुप में रहकर काम करना चाहिए, और दूसरों पर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, अपने मन की बात शेयर करनी चाहिए, जिसे इनको जो अकेलापन महसूस होता है या ये डिप्रेशन में जाते हैं इन्हीं वजह से, तो ये इनकी परेशानी दूर होती है। अगर ये अपने आप को म्यूजिक किताबों में उलझा कर रखेंगे तो इनकी लाइफ में जो अकेलापन है वह भी दूर होगा। और एग्रीकल्चर, योग शिक्षक, तैराकी, बीमा कंपनी में, या फिर लेक्चरार और ज्योतिषी अच्छे बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं, इस तरह के अगर कार्यों में अपना भाग्य आजमाते हैं तो ये काफ़ी सफल हो सकते हैं। और ऐसे जातकों के लिए जो लकी डे है वो है सैटरडे, और जो लकी कलर है वह है ग्रे। इस कलर का अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, ऑफिस में, घर में, अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस कलर का इस्तेमाल करते हैं तो इन्हें काफ़ी सफलता मिलती है। और हो सके तो इनको रुद्राक्ष या सफेद की माला धारण करनी चाहिए, इसमें इनको काफ़ी लाभ मिलता है। जो इनमें हमेशा दूसरों पे शंका रहती है या अपने आप को अलग महसूस करती हैं भीड़ में रहकर भी, तो इसमें इनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इनको मिलकर दूसरों से मेलजोल बढ़ाकर रहना चाहिए, और हो सके तो अपने मन की बात हर किसी से शेयर करनी चाहिए। और जो इनके लिए लकी नंबर है 1, 4, 5, 6, 8, ये इनके लिए लकी नंबर होते हैं। इस नंबर का अगर ये इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ में, लाइफ पार्टनर में, या किसी के यहाँ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, मकान, घर या वाहन लेना चाहते हैं, तो अगर इस नंबर का ये इस्तेमाल करते हैं तो इनके लिए लकी साबित होगा। तो ये थी कुछ विशेषताएँ भाग्य 7 वालों की। इसी के साथ आपकी एक्स्ट्रा आपकी सलाहकार आपसे विदा लेती है, और फिर आपसे यही कहूँगी कि आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है या नोटिफिकेशन मेरी अच्छी लगी हो, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि और लोग भी, आपके फ्रेंड फैमिली वाले इसका लाभ उठा सके, मेरी अगली नोटिफिकेशन उन तक पहुँच सके। इसी के साथ आज आपकी एक्स्ट्रो आपकी सलाहकार आपसे फिर विदा लेती है।
राधे राधे।